नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए तैयार है। 25 जनवरी को हैदराबाद में पहला मुकाबला शुरू हो रहा है। विराट कोहली ने निजी कारणों की वजह से पहले 2 मैच से अपना नाम वापस ले लिया है। उनकी जगह चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को टीम में शामिल करने की बात थी, लेकिन दोनों को मौका नहीं मिला। अब कप्तान रोहित शर्मा ने दोनों के करियर को लेकर इशारा भी कर दिया है। रोहित शर्मा ने संकेत दिया है कि चेतेश्वर पुजारा और रहाणे जैसे दिग्गजों का टेस्ट करियर लगभग खत्म माना जा सकता है, क्योंकि अब फोकस युवाओं को ज्यादा मौके देने पर है। कोहली की जगह युवा खिलाड़ी रजत पाटीदार को मौका दिया गया है। रोहित ने शुरुआती टेस्ट से पहले इस फैसले के बारे में कहा कि हमने सीनियर खिलाड़ियों को लाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर युवा खिलाड़ियों को मौके कब मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सीनियर खिलाड़ियों को बाहर रखने का फैसला आसान नहीं था। रहाणे ने आखिरी बार भारत के लिए साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला था, जबकि पुजारा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद बाहर किया गया। उन्होंने इतने रन बनाए हैं, इतने मैच जिताए हैं और उनके पास इतना अनुभव है कि उससे अनदेखा करना मुश्किल होता है। लेकिन कई बार आपको नए खिलाड़ियों को मौका देना होता है। उन्हें अनुकूल हालात में मौके देने के बाद ही विदेशी सरजमी पर उतारा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि युवाओं को मौका देना महत्वपूर्ण है। हालांकि रोहित ने यह भी कहा कि किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। फिट रहने और रन बनाने पर किसी को भी मौका मिल सकता है। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 जारी कर दी है, जिसमें जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पॉप, जो रूट, जॉनी बेस्टो जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, बेन स्टोक्स कप्तान हैं, बेन फॉक्स, रेहान अहमद, टॉम हर्टले, मार्क वुड और जैक लीच। एक तरफ इंग्लैंड के लिए उनके दिग्गज खिलाड़ी जेम्स एंडरसन नहीं खेल रहे हैं, तो भारत के लिए विराट कोहली शुरुआती 2 टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। विराट की जगह टीम इंडिया के स्क्वाड में रजत पाटीदार को शामिल किया गया है। सवाल है कि क्या उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच 25 जनवरी से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज होगा। पहला टेस्ट मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके लिए भारतीय टीम और इंग्लैंड के खिलाड़ी हैदराबाद पहुंच गए हैं। इंग्लैंड ने भारत में आखिरी बार साल 2012-13 में टेस्ट सीरीज जीती है। हालांकि जब से इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट में बैच बॉल की रणनीति अपनाई है, तब से उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। तो इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें, ताकि ये भी खबर मिस ना होने पाए।